हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी थर्ड के जो अगला हमारा टॉपिक है, ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन के बारे में, डायरिया के अगले वीडियो में हम लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसका हम क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आते हैं उसको हम सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे दिया गया है सबका। तो मैं हूँ विशाल प्रजापति। आइए देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन उसको बोलते हैं जब किसी पर्सन को एक एक वीक में थ्री या उससे कम बॉवल मूवमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन किसको बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन उसको बोलेंगे जब बावेल मूवमेंट क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए फूड खाएँ, फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, फिर कहाँ गई, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। ये हमारा क्या है, रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम एनस, एनस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा स्टूल आया, स्टूल पूरे यहाँ पे इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। स्टूल अब क्या हुआ, इसका जो इसमें जो वाटर है, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में। अगर जब स्टूल का वाटर ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के बाद कहाँ पे जाएगा, किडनी, किडनी के बाद कहाँ से, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए ये हमारी मिट्टी है, मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में हम पानी वाटर मिलाएं, ठीक है, वाटर मिलाएं तो गीला हो गया हमारा, गीला हो गया, ठीक है। अब गीली अगर मिट्टी है हमारी, इसमें से अगर हम वाटर को निकाल दें तो मिट्टी हमारी कैसी हो गई, हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। तो सूखी जब मिट्टी हो जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ पे स्टूल जब सूखा हो गया, तो यहाँ से एनस के थ्रू निकलने में कठिनाई होगी। जब कठिनाई होगी तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। तो इसके लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं इसको दूर करने के लिए। जब इसको इसमें हम ड्रग लेते हैं तो इसी को क्या करता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था ब्लड में, उसको क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। तो जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान लीजिए हमारा यहाँ पे स्टूल है, स्टूल का जब वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, किडनी, किडनी के थ्रू हमारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें से हमारा स्टूल से जब हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूल हमारा हार्ड हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो यहाँ से एनस से निकलने में, रेक्टम से निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है, यहाँ पे देखिए बताया है, और उसको इस डायग्राम को आपको ज़रूर से एग्जाम में बनाना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कैसे होता है, व्हेन द कॉलन एंड सीकम एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, देन फीकल मैटर बिकम हार्ड। देखिए मैंने बताया ना, ठीक है, मान लीजिए देखिए इसको आप मिलाइएगा जो वर्ड लिखा गया है, और इसको देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए स्टूल है, ये हमारा क्या है, सीकम है, ये हमारा कॉलन है, ठीक है, सीकम कॉलन, ठीक है। जब इसमें जो स्टूल आया, फीकल मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल हमारा आया, इसका जो वाटर है जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारा जो फीकल मटेरियल है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल, कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो जब हार्ड मटेरियल हो जाएगा, तो यहाँ से निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए किसके कारण, अब जान लेते हैं किसके कारण होता है, कॉजेज मतलब कारण किसके कारण होता है, ठीक है। अगर अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे सब लोग खाते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब अगर खाएंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा। जब प्रेगनेंसी रहती है किसी लेडीज़ को, तब भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कोई स्ट्रेस, कोई तनाव है, तब भी क्या हो सकता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन। और अगर
कोई जैसे कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, अगर वह बिना वाटर के ड्रिंक कर रहा है तो तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब इसके सिम्पटम क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया सिम्पटम, इसके देख लीजिए। सिम्पटम क्या है, ब्लड इन योर स्टूल, जो हमारा स्टूल स्टूल निकलता है फीकल मटेरियल, उसके जब हार्ड हो जाएगा, यहाँ पे हार्ड हो जाएगा तो निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम होगी तो कभी कभी ब्लड ब्लड भी आ जाता है फीकल के साथ, फीकल मटेरियल जो हमारा वेस्ट मटेरियल, इसके साथ क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, ठीक है। पहला सिम्पटम है, दूसरा है एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल जब हमारा स्टूल नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, गैस बनेगी, पेट में दर्द होगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। पेन इन द लोअर बैक, लोअर बैक में जो पेन होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारा फीलिंग डेड गैस इन ट्रैप्ड, ऐसा लगेगा जैसे हमारे पेट में कितनी गैस भरी हुई है, पेट टाइट रहेगा, ये सब प्रॉब्लम इसके सिम्पटम है, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका देख लीजिए। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना, हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है, कैसा, हमें हेल्दी डाइट खाना है, ठीक। फिर हमारा क्या करना, अगला जो है ट्रीटमेंट क्या, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है। फिर हमें अगला जो हमारा ट्रीटमेंट है, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, जब ड्रिंक करना है तो कैसे, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मिला के पीना है। फिर क्या है, मैसेज, मैसेज मतलब डेली मॉर्निंग, मतलब जैसे बाहर जाना है, ठीक है, हर रोज़ सुबह, ये नहीं कि आज गए बाहर लेटरिन में कल नहीं गए, हमें क्या करना है, रोज़ डेली जाना है, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर हमारा अगला क्या, मेडिसिन, मेडिसिन से हम इसका क्या, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीट करेंगे। इसमें क्या देते हैं, लैक्जेटिव एंड पुरगेटिव देते हैं, पुरगेटिव, ठीक है। लैक्जेटिव देखिए, ये जो हमारा मिल्ड एक्शन देता है, और पर्गेटिव जो होता है हमारा, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एक्शन देता है, ठीक है, मतलब इसमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन जो पर्गेटिव में ज़्यादा रहेगा, लैक्जेटिव में थोड़ा कम रहता है, लेकिन दोनों का काम एक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है, जो लैक्जेटिव होता है, दिस आर दोज ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये ऐसा ड्रग है जिसका यूज हम किस में करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। ये हमारा क्या देता है, मिल्ड एक्शन देता है, ठीक है, मतलब एक्शन कम देता है पर्गेटिव के कंपेयर में, और इसका जो एक्शन है, एक्ट करने का जो टाइम है, इसका थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा ज़्यादा समय में ये रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा ये लॉन्ग टाइम में रिस्पॉन्स देता है और मिल्ड एक्शन देता है, ठीक है। और जो पर्गेटिव हमारा होता है, ये भी हमारा क्या करता है, स्टूल और बावल मूवमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्टूल को क्या करेगा, लूज मतलब वाटरी बनाएगा, और क्या नाम, बावल मूवमेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, दोनों का काम मतलब एक ही है। और फिर हमारा आगे क्या है, यह क्या होता है, यह भी देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होता है, और यह इसका जो एक्शन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब इसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू लैक्सेटिव के, ठीक है, और एक्ट क्विकली मतलब जल्दी यह एक्शन देता है इसके कंपेयर में लैक्सेटिव के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू KD त्रिपाठी, ठीक है, मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, KD त्रिपाठी के बुक भी आपको यहाँ पे देखिए, अब इसको अच्छे से इसमें देखिए जो हमारा लैक्सेटिव या पर्गेटिव हैं, इसको देखिए चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला बल्क फॉर्मिंग एजेंट, बल्क फॉर्मिंग एजेंट उसको बोलेंगे, यह क्या करेगा, जो हमारा स्टूल रहेगा उसको क्या करेगा, थोड़ा बल्क कर देगा, बल्क कर देगा, जिससे वह आसानी से क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे हमारे बॉडी से, ठीक है। फिर हमारा स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर यह क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट बना देते हैं, ठीक है, एकदम सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्टूल बाहर निकल जाता है। और हमारा क्या है, स्टूमुलेंट पर्गेटिव, स्टूमुलेंट इसमें एक नर्व होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा, जिसको वह स्टूमुलेट करके क्या करते हैं, स्टूल को क्या करते हैं, आउट कर देते हैं बॉडी से। यहाँ पे ऑस्मोटिक पर्गेटिव, ऑस्मोटिक पर्गेटिव मतलब होता है ऑस्मोटिक, आप पढ़े होंगे आगे, मतलब इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा ज़्यादा, जिससे हमारा क्या होगा, स्टूल जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमने वही लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू KD त्रिपाठी, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
फिर आगे बात कर लेते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा आता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग जो हमारा एजेंट है यह क्या करता है, जो स्टूल होता है उसको बल्क फॉर्म बनाता है। बल्क फॉर्म कैसे बनाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, स्टूल जो रहता है उसमें वाटर का जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो जो फीकल मटेरियल है, जो हमारा स्टूल है, ज़्यादा बल्की हो जाएगा। बल्क जब हो जाएगा तो आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट में, ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर हमारा ये ऑप्टेन होता है कहाँ से, नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होता है। नेचुरल सोर्स में एग्जाम्पल है अगार, एल्गिनेट एंड प्लांट गम, ठीक है, यहाँ से ये क्या ऑप्टेन होते हैं। फिर आगे आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, दे आर इंडाइजेस्टेबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस लाइक वीट बर्न, मेथाइल सेलुलोज, आइसोफुगला, इटीसी, एब्जॉर्ब वाटर, सोयल अब द इंक्रीज द बल्क ऑफ द स्टूल। ये सब जो हमारे ड्रग हैं ये सब बल्क फॉर्मिंग एजेंट में, अभी आप जाइए क्लासिफिकेशन में वहाँ देख लीजिए ये सब क्या बल्क फॉर्मिंग एजेंट हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो स्टूल होता है वह सोयल हो जाता है, मतलब सोयल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टूल है, ठीक है, इसमें अब क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टूल में क्या होगा, बढ़ा देंगे, ठीक है। वाटर इसमें जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये बल्क हो जाएगा, पहले देखिए इसकी साइज इतनी थी, अब बल्क हो गई, बड़ी साइज हो गई, ठीक है। अब जब ज़्यादा हो जाएगा, बल्क साइज हो जाएगा, तो ये करेगा, ऐसा करेगा कि ये बॉडी से बाहर जाए, तो यहाँ पे देखिए वही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा, ठीक है, वीट ब्रेन, ठीक है, इसको हमें कितना लेना है, 20 से 40 ग्राम पर डे, कब तक लेना है, 3 से 4 दिन तक लेना है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा ल्यूमन है, ठीक है, वीट ब्रेन खाएं तो इस वीट ब्रेन क्या करेगा, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। वाटर को देखिए मैंने तीर से बताया कि वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे देखिए बल्क हो गया, पहले इतनी साइज थी इसकी, अब देखिए बल्क हो गया, ठीक है। और जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वह यह कैसा हो जाएगा, जेल लाइक हो जाएगा। इसका मास कैसा हो जाएगा, जेल लाइक, मतलब वाटरी हो जाएगा, ठीक है। वाटरी जब हो जाएगा तो क्या नाम है, जल्दी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब क्या नाम, जब यह बल्क फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, जब यह बल्क फॉर्म में हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सोयल हो जाएगी, जो इंटेस्टाइन की जो दूरी है, हमारा इंटेस्टाइन ऐसे मोटिलिटी करता रहता है ना, मोटिलिटी मूवमेंट करता, जब इसकी दूरी इतनी बड़ी इंटेस्टाइन की तो उसे पेरिस्टैलिसिस बोलते हैं, ठीक है हम इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो इसका होता है 12 आवर्स होता है, ठीक है, इसको 2 से 3 दिनों तक लेना रहता है, ठीक है। फिर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग, नोजिया मतलब जैसे जी मचलना, वॉमिटिंग मतलब समझते हैं आप उल्टी। फिर हमारा जो इसका यूजेज इसका जो होता है कॉन्स्टिपेशन में, क्रोनिक और एक्यूट दोनों कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। और इसका जो यूज है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में भी इसका यूज होता है। और हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द डाइवर्टिकुलोसिस उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यह लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसे डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे इंटेस्टाइन, जैसे हमारा नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ठीक है, नॉर्मल इंटेस्टाइन है, जब कहीं पर यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पाउच जैसा बन जाएगा, ठीक है, पाउच जैसा बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए पाउच जैसा ऐसा बन गया तो उसको हम बोलेंगे क्या, डाइवर्टिकुलोसिस। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया इसको लिख के, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैंने बनाया, यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए पाउच जैसा बन गया है, ठीक है, पाउच जैसा, ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को हमने बताया यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलोसिस। फिर आगे हम देख लेते हैं हमारा जो स्टूल शॉर्पनर के बारे में, स्टूल शॉर्पनर जो हमारे एजेंट है, स्टूल शॉर्पनर जो होते हैं स्टूल को क्या बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं। पहला हमारा इसमें यह हमारा ड्रग यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है,
स्टोर शॉर्पनर आर मोस्ट कॉमनली यूज टू लग्जरी एजेंट इन द नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल। जो हमारा स्टोर शॉर्पनर है यह लग्जरी एजेंट के रूप में नर्सिंग होम में और हॉस्पिटल में यूज़ होता है। और फिर हमारा अगला पॉइंट जो है दे यूज ए सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब सर्फेक्टेंट की तरह यह काम करते हैं। यह क्या करते हैं कि जो हेल्प वाटर इन द बावल मिक्स विथ द फीकल मास। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फीकल मास है, फीकल मास में क्या करते हैं वाटर को इसके साथ क्या कर देते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया, मेसिंग लेस फिल्म मास विच कैन बी ईजिली पास, और ईजिली क्या हो जाएगा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ड्रग देखिए लिखा गया है, पहले ड्रग हमारा ए, दूसरा हमारा लिक्विड पैराफिन है, ठीक है। यह जो होती है कैल्शियम और सोडियम साल्ट के रूप में अवेलेबल होती है ये वाली हमारी ड्रग। और इसका जो ब्रांड नेम है इस ब्रांड नेम से आती है 100 mg के अकॉर्डिंग टू USP। यह रोड क्या किया जाता है एडमिनिस्टर, इसका कैसा होता है ओरली लिया जाता है, ठीक है, जाता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लीजिए। मान लीजिए हमने ड्रग लिया, स्टूल शॉर्पनर ड्रग लिया, यह क्या करेगा जो हमारा ये फीकल मटेरियल है, फीकल मटेरियल में वाटर को क्या करेगा ये मिक्स कर देगा। जैसे हमने इसको लिया, इस ड्रग को लिया, यह क्या करेगा स्टूल ये हमारा है, स्टूल में क्या करेगा वाटर को तुरंत मिक्स करेगा। जब वाटर को मिक्स करेगा तो हमारा जो स्टूल है स्टूल कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉफ्ट होके, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे हमारा मिट्टी है, मिट्टी में जब पानी मिक्स कर लेंगे तो यह कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा एकदम। तो पहले तो ऐसे गोल था, जब कर लिए तो ऐसे हो गया, ठीक है, वाटरी जैसा हो गया। तो ये सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बॉडी से बाहर, पास हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है देख लीजिए, साइड इफ़ेक्ट जो इसमें भी नोजिया है वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन क्रैम्प, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प भी इसमें होता है। और क्या होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑन द प्रोलॉन्ग यूज, अगर इसका ज़्यादा यूज अगर करेंगे इसका तो हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसका जो यूज है, यूज इसका हम कहाँ करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, आगे जो हमारा दिया गया है अगला जो हमारा ड्रग है स्टूमुलेंट परगेटिव, जो हमारा दिया गया है स्टूमुलेंट जो परगेटिव होते हैं, दीज आर पावरफुल परगेटिव, ये पावरफुल परगेटिव होते हैं, प्रोड्यूस ग्रिपिंग, ग्रिपिंग का मतलब होता है जैसे सडन पेन हो अगर स्टमक या बॉवेल में, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टूमुलेंट परगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा दिया गया है यह क्या करते हैं, डायरेक्टली इंक्रीज कर देते हैं मोटिलिटी ऑफ द गट, गट की मोटिलिटी को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं। और देखिए मैं जो नर्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा गया है माइनेंट्रिक फ्लेक्सस नर्व्स, ठीक है, इसको क्या करेगा इसी पे एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा तो GIT की जो मोटिलिटी है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोटिलिटी का मतलब मैंने अभी बताया था, मान लीजिए GIT है, मोटिलिटी का मतलब ऐसे मूवमेंट, GIT का मूवमेंट जब ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो जो फीकल मटेरियल ये हमारा है जब ऐसे ऐसे करेगा तो एक आगे इसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट वर्क इंक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइंस हेल्पिंग द स्टूल कम्स आउट, यह क्या करता है इंक्रीज कर देता है जो स्टूल का मूवमेंट है, बावल मूवमेंट को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारा स्टूल है बाहर जल्दी से आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारा इसका है, इसमें क्या करेंगे अगर हम फिक्स ऑयल लेते हैं, ठीक है, इसका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे चार चीज़ आते हैं, ठीक, चार चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी गई हैं यहाँ पे देखिए, तो सबका मैंने एक ही साथ कर दिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको इसे समझ लेना, ठीक है। तो पहले क्या दिया देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कैस्टर ऑयल लिया, कैस्टर ऑयल क्या करता है यह क्या करेगा इनहिबिट कर देगा सोडियम एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, और क्या करेगा इरिटेंट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो अगर
जब इनहिबिट सोडियम ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो हमारा जो वाटर का सिक्रेशन होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। जब वाटर का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, आपको पता है जब वाटर ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा हमारे इंटेस्टाइन में, तो क्या हमारा जो बावल है, जो बावल मूवमेंट वह जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगर यहाँ पे इसका प्रीस्लेटिक जो कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ जाएगा, मतलब इसका अगर जो कंट्रक्शन है, मान लीजिए कंट्रक्शन अगर बढ़ गया, ठीक है, कंट्रक्शन अगर बढ़ेगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा तो आसानी से हमारा जो स्टूल फीकल मटेरियल है आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लेते हैं विस्कोडिल, जो हमारा डाइफिनाइल मेथेन्स थे उसमें आता है विस्कोडिल आता है, और एंथ्रोक्विनोन में आता है सिन्नोइड, इससे मिलता है, आप फार्माकोनोसी में पढ़ चुके होंगे, और 5-HT एंटागोनिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, डाइफेनाइल मेथेन मतलब विस्कोडिल को लेते हैं, यह क्या करता है, इंट्रोसाइटिस करता है, और इसके बाद क्या करता है, इंक्रीज एडनालेट साइक्लेस को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा। जब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा, आप पहले से पढ़ते चले रहे हैं, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्या करेगा, ए बढ़ जाएगा, और यस मतलब यस सी ओ थ्री यह भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर इसके इससे क्या होगा, जो हमारी नर्व है यह क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, ए वाली नर्व हमारी एक्टिवेट होगी, जिससे हमारा इंक्रीज ए सी एच मतलब स्ट्राइकोलिन जो हमारा है यह हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारा कंट्रक्शन है यहाँ पे कंट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रक्शन। फिर इसके बाद अगर 5-HT लेते हैं, ठीक है, 5-HT लेते हैं एंटागोनिस्ट है, तो यह कहाँ पे बाइंड करेगा, 5-HT रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है इन गट, मतलब गट में प्रेजेंट होता है, यह भी इंक्रीज कर देगा ACH को, जिससे हमारा यहाँ पे इसका जो कंट्रक्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो हमारा फीकल मटेरियल है आसानी से क्या होगा, इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब देखिए वाटर जो अगर फीकल मटेरियल में मिला, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे ऐसे पेशेंट से किया है, तो वाटर यहाँ हुआ इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्ड मटेरियल हमारा था। ठीक है, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हार्ड मटेरियल है, ठीक है, फीकल मटेरियल हार्ड मटेरियल है। ठीक है, अब इसको हम ये हमारे इंटेस्टाइन से मतलब कॉन्स्टिपेशन काज कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, फिक्स ऑयल लेंगे, तो इसका जो मूवमेंट है इसको बढ़ा देगा। ठीक है, इसको वाटरी कर देगा जो हमारा फीकल मटेरियल है। अगर हम विस्कोडिल लेते हैं तो यह क्या करेगा, यह भी हमारा क्लोराइड आयन को बढ़ा देगा और वाटर को भी बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो हार्ड मटेरियल ये बाहर निकल जाएगा। और यही काम सिन्ना भी करेगा और 5-HT भी करेगा। 5-HT जो हमारा है, 5-HT और सिन्ना जो इसके कॉन्ट्रक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, और यह हमारा जो फिक्स ऑयल, यह भी हमारा कंट्रक्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारा जो स्टूल है आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो हमारा नर्व है, यह क्या करता है, इन मोटिलिटी को इनक्रीज करता है। ठीक है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी जल्दी जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट मतलब क्रैम्पिंग पहला है, स्किन रेसेस हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा टाइम तक अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो हमारा क्या म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगेगी, और हमारा क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा मतलब कैल्शियम की कमी होने लगेगी, और क्लोनिक एटोनी हो जाएगा। एटोनी के मतलब है यहाँ पे देखिए श्रिंक, मतलब इंटेस्टाइन हमारी श्रिंक हो जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा समय तक हम यूज़ इसका करते हैं। ठीक है, तो फिर अगला हमारा आता है ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव क्या होता है, यह हमारे स्टूल को क्या सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे हमारा क्या है, आसानी से हमारा जो स्टूल है पास आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, यह इसका जो यूज है, हम कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका यूज करते हैं। और यह क्या करता है, यह सॉल्युबल होता है कि बट एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन में, यह एब्जॉर्ब नहीं होता। जो हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव ड्रग है, यह सॉल्युबल होगा इंटेस्टाइन में लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। और यह क्या करेंगे, जो ऑस्मोटिक परगेटिव है, यह वाटर को इंक्रीज कर देंगे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को अगर इंक्रीज कर देंगे
तो हमारा जो स्टूल है वाटरी हो जाएगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा बॉडी से। इसका मैकेनिज्म आप एक्शन यहाँ पे देख लीजिए। यह क्या होता है, पोली एब्जॉर्ब साल्ट है, ठीक है। यह क्या करता है कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस को बढ़ा देता है, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब वाटर, वाटर को रिटेन करेगा इंटेस्टाइन में, जिससे हमारा फीकल फीकल का जो वैल्यूम है ये हमारा बढ़ जाएगा। फीकल वैल्यूम अगर बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंशन मतलब कि जो मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए हमारा स्टूल है, इसमें ये हमारा बहुत हार्ड है, हार्ड है स्टूल, ठीक है, हार्ड स्टूल है, हार्ड स्टूल है। फिर अगर हम इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन करा दे तो इसमें ये हमारा डिस्टेंशन उसको बोलेंगे, जैसे वाटर ही जब हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो हार्डनेस है अगर कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंशन बोलेंगे, ठीक है। डिस्टेंशन हो जाएगा तो इसमें जो मसल कॉन्स्ट्रक्शन है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मसल कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो हमारा बॉ स्टूल का स्टूल क्या हो जाएगा, आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा बॉडी से। और इसका इसमें एक बात आपको याद रखना है कि इसका हम यूज़ अगर कोई क्रोनिक हार्ट फेलोर, जिसको डिजीज़ है, जो हार्ट के डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, उनको हमें ये नहीं देना है, मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट जो आता है, डायरिया है, जैसे हमारा नोजिया हो गया, क्रैम्पिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब पेट में सूजन हो जाएगी। तो ये सब मैं केडी त्रिपाठी के नोट्स से मैं ये सब बनाया हूँ। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, मैं टीपी यूज़ कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। पहला देखिए, पूछा है लैक्सेटिव क्या है, लैक्सेटिव क्या है, तो आपको तुरंत यहाँ पे जाना लैक्सेटिव। देखिए लैक्सेटिव क्या है, यह कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको यह लाइन ज़रूर से लिखना कि यह मिल्ड एक्शन देता है और लॉन्ग टाइम एक्ट, ठीक है। अगर यह लॉन्ग टाइम में मतलब एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है, और मतलब यह पर्गेटिव से कम एक्शन देता है, ठीक है, आपको यही लिखना। फिर आपको दिया है ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, तो आपको सिर्फ इस पेज पे जाना है ऑस्मोटिक, तो यहाँ पे आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, नहीं तो एक लाइन अगर आप लिख देते हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला जो हमारा आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव का आपको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, तो आपको यही पूरा लिख देना, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको पूरा लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछता है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एग्जाम्पल बताना, तो आप जो क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसको आप लिख दीजिएगा। फिर अगला दिया है ये आगे पढ़ेंगे अगले वाले में। फिर आगे दिया है लॉन्ग शॉर्ट आंसर वाले में, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव पे नोट से लिखना, तो आपको इसमें थोड़ा इसको पूरा लिख देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा आपको बल्क फॉर्मिंग में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे हमारा बात करते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट नोट लिखना है इसका, तो आपको पूरा जितना मैंने बताया उसको लिख दीजिएगा इसमें। फिर अगला आता है हमारा क्या है, लॉन्ग में जो आता है डिटेल नोट्स ऑन लैक्सेटिव, लैक्सेटिव में डिटेल नोट्स लिखना, मतलब पूरा इसका क्लासिफिकेशन बताना है, सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसमें क्या ड्रग होती है, सभी को पूरा आपको इसमें लिख देना, जितना मैंने शुरू से लेके आखिरी तक बताया आपको इसमें लैक्सेटिव में पूरा इसको लिखना है। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए, आपको पूरा सॉल्व भी हो गया, आपको आई होप आपको पूरा समझ में आ गया भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखें।